हेलो एवरीवन, आज हम पुली को डिस्कस करेंगे। पुली के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पुली का कुछ बेसिक हमने वेक्टर में भी पढ़ा था, ठीक है ना। पुली क्या होता है? पुली एक टाइप का डिस्क होता है, या हम बोल सकते हैं एक सिलेंडर होता है, जिसको हम फिक्स करके और उसके ऊपर स्ट्रिंग को स्लाइड करते हैं, ठीक है ना। स्ट्रिंग क्या होता है? उसके ऊपर स्लाइड होता है, ठीक है। यहाँ पर जो पुली है उसको हम दो टाइप से वर्किंग में लेते हैं। फर्स्ट होता है कंडीशन की पुली जो है वो फिक्स हो, पुली सेल्फ रोटेट ना हो, है ना, फ्रिक्शन लेस वगैरह होगा, और यहां पर स्ट्रिंग है वो स्लिप होगा, बस पुली फिक्स है। तो यहां पर इसको जैसे इस टाइप से जब मूव करेंगे, स्लिप करेंगे, तो क्या होगा? पुली अपनी जगह रहेगा, ओनली स्ट्रिंग स्लिप होती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में बोथ साइड में जो टेंशन है वो सेम रहेगी, ओके। और अगर साथ में डिस्क भी रोटेट हो, सपोज डिस्क क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो क्लॉकवाइज रोटेट होने से क्या होगा? यहां पर जो पार्ट है, ये जो स्ट्रिंग का पार्ट है और ये स्ट्रिंग का पार्ट, दोनों में टेंशन डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। सपोज ये क्लॉकवाइज रोटेट होगा, तो जैसे रोटेट होगा तो ये जो पुली का ये जो स्ट्रिंग का ये जो पार्ट है, इसको ये पुल अप करेगा, तो पुल अप करने से यहां पर टेंशन इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और इस पॉइंट पे क्या होगा? क्लॉकवाइज रोटेट होने से यहां पर स्ट्रिंग इस टाइप से स्लैक कर जाएगा, मतलब लूज हो जाएगा स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहां पर टेंशन रिड्यूस हो जाएगी, ओके। तो जिस डायरेक्शन में पुली रोटेट होता है, उस डायरेक्शन में स्ट्रिंग का टेंशन डिक्रीज हो जाता है, और अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन इंक्रीज हो जाता है, तो टेंशन डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हम रोटेशन मोशन चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम यहां पर लेके चलते हैं कि पुली मासलेस है, फ्रिक्शनलेस पुली है, ओके। एंड स्ट्रिंग जो होगा वहां पर बोथ साइड में टेंशन सेम होगा, ओके। पुली यहां पर जिस रॉड पर कनेक्ट होता है, इस सिस्टम पे कनेक्ट होता है, इसको हम क्लैंप बोलते हैं, CLAMP, क्लैंप, ठीक है। यहां पर क्लैंप, अब क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। तो अगर क्वेश्चन आता है कैलकुलेट द फोर्स ऑन द क्लैंप, तो इसका मतलब क्या है? फोर्स ऑन द पुली बताना है हमें। पुली पे जितना फोर्स डाउनवर्ड होगा, उतना ही फोर्स क्लैंप पर अपवर्ड होगा, ओके। तो ये हो गया थोड़ा स्ट्रक्चर पुली का, है ना। अब देखिए यहां पर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, बेसिक से समझते हैं इसको। सपोज यहां पर मैंने एक पुली लिया और एक स्ट्रिंग को इधर से ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये जो ब्लॉक है, मास है एम, इस टाइप का एक सिस्टम है, ये वॉल है, दीवार से कनेक्ट है, ठीक है। ये एक क्लैंप है, जहां पर कनेक्ट है, ये पॉइंट है, ये हो गया क्लैंप। क्लैंप के थ्रू पुली को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। पुली में क्वेश्चन में पुली के बारे में गिवन है दैट पुली इज फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस। पुली में ना तो मास है और ना फ्रिक्शन भी नहीं है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा? जब ये हम इस सिस्टम को रेस्ट में लीव करेंगे, तो हमें बताना है कि टेंशन कितना होगा स्ट्रिंग में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट टेंशन इन द स्ट्रिंग, ओके। एंड सेकंड क्वेश्चन है कैलकुलेट द फोर्स ऑन द क्लैंप, क्लैंप पर कितना फोर्स लगा हुआ है। दो क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें, ठीक है। अब देखिए जैसे हम इसको लीव करेंगे रेस्ट से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहां पर स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस होगा। तो ये एक सिंगल स्ट्रिंग है या दो स्ट्रिंग है? तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक सिंगल स्ट्रिंग है, अलग अलग स्ट्रिंग नहीं है। तो अगर सिंगल स्ट्रिंग है तो टेंशन सेम होगा ईच पॉइंट पर। ये प्रॉपर्टी होता है स्ट्रिंग का, सिंगल स्ट्रिंग में ईच पॉइंट पर जो टेंशन है वो सेम होता है, ठीक है। तो टी सिंबल एज्यूम कर लेते हैं हम टेंशन का, क्लियर है इतना। अब देखिए यहां पर अगर हम देखें तो ब्लॉक इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम मींस अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, एम मास, अपवर्ड फोर्स है ये टी। अच्छा, डायरेक्शन का बेसिस बताया गया था, अवे फ्रॉम अटैचमेंट होता है डायरेक्शन, ये दो अटैचमेंट पॉइंट है, तो अवे फ्रॉम अटैचमेंट टेंशन इन द स्ट्रिंग, ओके। नेक्स्ट है डाउनवर्ड वेट एम जी, और एक्सेलरेशन है जीरो, इट मीन्स अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो यहां से हमें टेंशन पता लग गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर कि क्लैंप पर फोर्स कितना लग रहा है। तो क्लैंप पर फोर्स उतना ही लगेगा जितना पुली पे लगेगा, ठीक है ना। तो पुली पे फोर्स निकाल लेते हैं। तो अगर हम पुली को ध्यान से देखें तो पुली पर इस डायरेक्शन में एक टेंशन है टी, ये टेंशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक टेंशन इस डायरेक्शन में है टी, क्लियर। और ये दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्री, ठीक है। अब दो वेक्टर अगर 90 डिग्री में है तो रिजल्टेंट क्या होगा? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस 90, कॉस 90 जीरो होता है, तो ये आंसर आ जाएगा, है ना। तो टी रूट टू आ गया आंसर, टी का वैल्यू पुट कर देंगे एम जी, एम जी रूट टू, ये हो गया फोर्स ऑन द क्लैंप, क्लैंप पर इतना फोर्स लगेगा, ठीक है।
तो इस टाइप से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। इसमें यहाँ पर जो स्ट्रिंग है उसका भी कोई मोशन नहीं हुआ, स्ट्रिंग मतलब यहाँ पर, स्ट्रिंग मतलब यहां पर कैसे, स्ट्रिंग यहां पर रेस्ट में है, ठीक है, ब्लॉक भी रेस्ट में, सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, क्लियर इतना। चलिए अभी और देखते हैं, इसमें चेंज कर दें थोड़ा थोड़ा। अभी हम पुली को इसी सेम क्वेश्चन में पुली से अंदर ब्लॉक कनेक्ट किया था। अब हम बोथ साइड में ब्लॉक कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहले यहां पे वॉल था, वॉल के साथ कनेक्शन था, वॉल नहीं है, वॉल को हटा दिया हमने। स्मूथ सरफेस है, सरफेस कैसा है, स्मूथ मतलब कोई फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है यहां पर, ठीक है। ये है 2 kg और ये है 8 kg। दो क्वेश्चन है, फर्स्ट है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, नेक्स्ट है टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड नेक्स्ट है फोर्स ऑन द क्लैंप, क्लैंप पर कितना फोर्स लगेगा। क्वेश्चन है जी का वैल्यू 10 लेके चलना, जी का वैल्यू हमें 10 एज्यूम करके चलना है, ओके करें स्टार्ट। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात यह है कि क्या ये स्लिप करेगा या नहीं करेगा, है ना, इधर है 2 kg और इधर है 8 kg, तो मैक्सिमम स्टूडेंट के माइंड में आएंगे कि ये स्लिप नहीं करेगा बिकॉज इधर हैवी है। हैवी से मतलब नहीं है, मेन बात है कि मोशन को रोक कौन रहा है, अपोज कौन कर रहा है मोशन का, है ना। अगर हम यहां देखें तो मोशन प्रोवाइड कर रहा है 2g, ये जो वेट है ये वेट मोशन प्रोवाइड कर रहा है ना। अगर हम यहां देखें तो मोशन को कोई रोकने वाला फोर्स है क्या, मोशन तो इधर होगा, रोकने का टेंडेंसी इस डायरेक्शन में होना चाहिए, और हमने बोला कि स्मूथ सरफेस है मतलब फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, है ना। तो लेकिन फिर हमारे माइंड में ये चीज जरूर आएगा कि ये तो हैवी है, एक्चुअली क्या है, हम लोग फ्रिक्शन देखते हैं रियल लाइफ में, ठीक है ना, रियल लाइफ में हम लोग फ्रिक्शन देखते हैं, तो इसलिए हम यहां सोच सकते हैं कि ये हैवी है तो ये नहीं हिलना चाहिए था, लेकिन हम सरफेस यहां पर स्मूथ ले रहे हैं, फ्रिक्शनलेस सरफेस। अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो यहां पर 1 g भी होगा तो भी मोशन होगा, तो भी एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है समझ में। रोकने के लिए कोई फोर्स है ही नहीं, अपोजिंग फोर्स नहीं है, ठीक है ना। चलो अब सॉल्व करते हैं। अब क्योंकि कनेक्टिंग बॉडी है तो एक्सेलरेशन का सिंबल मैं ए ले देता हूं, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा ए, और टेंशन क्योंकि एक सिंगल स्ट्रिंग है ए की टेंशन होगा टी, ये हो गया टेंशन इन द स्ट्रिंग टी, ओके। अब यहां पर हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, दो मेथड है, या तो फ्री बॉडी डायग्राम बना के करो या फिर शॉर्ट ट्रिक से करो, है ना। पहले अपन फ्री बॉडी डायग्राम से करते हैं फिर शॉर्ट ट्रिक से। तो अगर हम यहां पर 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, ये हो गया 2 kg, तो वेट हो गया 2g, टेंशन टी, एक्सेलरेशन ए, ओके। और अगर हम यहां पर डायग्राम बनाते हैं 8 kg का, तो 8 kg पर टेंशन इस डायरेक्शन में टी, एक्सेलरेशन का सिंबल हमने ए दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर एफ इक्वल टू एम ए लगाएंगे तो टी इक्वल टू 8a, ये एक इक्वेशन आ जाएगा, और यहां पर एफ इक्वल टू एम ए लगाएंगे तो 2g माइनस टी इक्वल टू 2a, तो टी का वैल्यू आ गया 2g माइनस 2a, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, दो इक्वेशन हो गए। अब टी का वैल्यू 8a यहां पर पुट कर देंगे तो 8 प्लस 2 हो गया 10, तो a का वैल्यू सॉल्व करके आया हमारा यहां पर g बाय 5, ये हो गया एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन यहां पर सॉल्व करके आ गया जी बाय 5, ठीक है। अब एक्सेलरेशन को बस यहां पर पुट कर दो तो टेंशन आ जाएगा 8g/5, जी का वैल्यू चाहे तो पुट कर सकते हैं, 10 पुट कर देना, उससे न्यूमेरिकल आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने सिंबॉलिक सॉल्व किया हुआ है इसको, क्लियर हो गया इतना। चलिए अब इसको ट्रिक से करते हैं हम सॉल्व, है ना, ये तो फ्री बॉडी डायग्राम मेथड हो गया, ट्रिक से कैसे करते हैं देखिए। ट्रिक क्या था पहले लिख देता हूं यहां पे, एक्सेलरेशन का ट्रिक था फोर्स अलोंग द मोशन माइनस फोर्स अपोजिट टू मोशन डिवाइड बाय टोटल मास, ये था हमारा ट्रिक, ठीक है। तो अलोंग द मोशन फोर्स कितना है, मोशन इधर हो रहा है ना, डाउनवर्ड जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में वेट कितना है 2g माइनस मोशन के डायरेक्शन में, इधर कोई फोर्स है नहीं, टेंशन तो एक्शन रिएक्शन होता है, इनका वेक्टर सम जीरो होता है, है ना, मैंने बताया था, या तो पुश या पुल को बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स या फिर वेट को बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स, ओके। ये हो गया 2g तो हो गया इधर एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन के अपोजिट में कोई फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है ना प्रेजेंट, वेट तो इधर है, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में वेट का 8g का कोई कंपोनेंट नहीं होगा इधर, है ना, तो 8g वेट का कोई यूज नहीं है, क्लियर। तो इधर हो गया 0 फोर्स अपोजिट टू द मोशन 0 डिवाइड बाय टोटल मास, 8 + 2 10 आ गया, 10 से g कैंसिल, तो ये आंसर आ गया 2 m/s²
ठीक है, क्लियर इतना। या हम बोल सकते हैं जी बाय फाइव, टू जी बाय टेन का मतलब जी बाय फाइव आंसर आ गया। क्लियर इस शॉर्ट ट्रिक। फिर इसके बाद यहां पर नेक्स्ट आता है कि इधर भी कोई ऐसा ट्रिक बन सकता है क्या, देखिए इधर भी ट्रिक है, जब भी ब्लॉक का अपवर्ड एक्सेलरेशन हो, कब कहां पर हो, अपवर्ड एक्सेलरेशन, तो हम फॉर्मूला यूज में लेंगे एम जी प्लस एम ए, ठीक है, और यहां पर तो डाउनवर्ड था, ठीक है, अगर डाउनवर्ड है तो टेंशन का फॉर्मूला आएगा एम जी माइनस एम ए। अभी हमने एफबीडी बनाया था ना फ्री बॉडी डायग्राम, उसमें देखो ध्यान से यही फॉर्मूला ऑटोमेटिक नेट फोर्स इक्वल टू एम ए जब अप्लाई किया सेकंड लॉ, तो ये फॉर्मूला आ गया था, है ना, तो क्यों ना इसको डायरेक्ट याद ही कर ले। अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हुआ एम जी माइनस एम ए, अपवर्ड एक्सेलरेशन हुआ एम जी प्लस एम ए, ठीक है, किसी ब्लॉक का स्ट्रिंग के साथ अगर कनेक्शन है तो ये जो टेंशन है, टेंशन कितना होगा उसका ही ट्रिक हो गया, ठीक है। एम क्या है यहाँ पर, एम टोटल डाउनवर्ड मास, इस पॉइंट के जहां पर टेंशन निकालना है उस स्ट्रिंग के नीचे टोटल जो मास है वो है एम, क्लियर। चलिए ये भी नोट डाउन कर लीजिए एग्जांपल। नेक्स्ट का एग्जांपल, फोर्स ऑन द क्लैंप निकाल सकते हो, ठीक है, टी तो आ गया टेंशन, यहां पर सॉल्व करके देखा हमने, एक्सेलरेशन आ गया था टू, एक्सेलरेशन को यहां पर पुट करो टेंशन में तो टेंशन भी कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है ना। अब फोर्स ऑन द क्लैंप कितना लगेगा, टी टी 90 डिग्री एंगल पे, तो रूट टू टी, रूट टू इंटू एम जी ये आंसर आ जाएगा, मतलब रूट टू इंटू टेंशन ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। टेंशन ये था एम जी माइनस एम ए, क्लियर इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम इस टाइप का, जो हमने डायग्राम बनाया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए यहां पर एक क्लैंप है, क्लैंप पर एक पुली कनेक्ट है और पुली पर हमने स्ट्रिंग को पुट किया, दो मासेज हमने अटैच किए, एक मास सपोज M1 है और एक मास M2 है, ठीक है, और किसी भी एक को हैवी अज्यूम कर सकते हैं हम, किसको ले बताओ, M1 को ले लो, सपोज M1 इज ग्रेटर देन M2, ओके। चलिए इस कंडीशन में देखिए क्या होगा, यहां पर M1 क्योंकि हैवी है तो इसका एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड, और M2 लाइट है तो एक्सेलरेशन होगा अपवर्ड, और दोनों एक ही स्ट्रिंग से कनेक्ट है, डायरेक्ट कनेक्ट है ना, स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्ट है तो कनेक्टेड मोशन होगा, एक साथ कनेक्टेड मोशन, ठीक है, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड दो बोथ साइड में सेम होगा, एम वन डाउनवर्ड मोशन में होगा और एम टू अपवर्ड मोशन में, ठीक है। अब आता है टेंशन का बात, तो क्योंकि पुली हम यहां पर फ्रिक्शन लेस लेंगे और मास लेस लेंगे तो टेंशन बोथ साइड, स्ट्रिंग में टेंशन बोथ साइड सेम होगी, ठीक है, और वैसे भी यहां पर जो स्ट्रिंग है वो सिंगल स्ट्रिंग है ना, तो ये दो सिंबल हमने एज्यूम किए, टी एज्यूम किया और एक ए एज्यूम किया, क्लियर है इतना। अब यहां पर हम सॉल्व करते हैं इसको, फर्स्ट है फ्री बॉडी डायग्राम से सॉल्व करना, एफबीडी, एफबीडी बनाएंगे। एम वन का अगर हम ध्यान से देखें, एम वन मास टेंशन है टी अपवर्ड डायरेक्शन में, यू गेट टेंशन टी अपवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन हो गया ए, वेट हो गया एम वन जी, नेट फोर्स इक्वल टू एम ए लगाना है, नेट फोर्स क्या होगा, एम वन जी माइनस टी है, टी माइनस एम वन जी, ऑलवेज मोशन के डायरेक्शन में जो फोर्स है वो बड़ा होता है, तो एम वन जी माइनस टी कर देंगे, ठीक है, तो नेट फोर्स इक्वल टू एम ए जब हमने अप्लाई किया तो टेंशन आया एम वन जी माइनस एम वन ए। अभी जस्ट अभी मैंने बताया था कि जब भी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हो तो टेंशन कितना होगा, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन में टेंशन क्या होगा, एम जी माइनस एम ए होगा, एम क्या है मास, इस पॉइंट के नीचे जो मास है वो, ठीक है। इसी टाइप से हम एफबीडी बना सकते हैं एम टू का, डायरेक्ट लिख दो आप आंसर, समझ में आ गया ना, अप्रोच इस टाइप से निकालना होता है हमें, तो यहां पर जो टेंशन है क्योंकि अपवर्ड एक्सेलरेशन है तो क्या होगा टेंशन एम टू जी प्लस एम टू ए, ये हो जाएगा टेंशन। तो अब यहां पर सोच रहे होगे कि टेंशन तो हमने लिखा था सेम है, ये तो फॉर्मूले अलग 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 नहीं है, एक्चुअली क्या है एक्सेलरेशन का वैल्यू जो पुट करेंगे ना हम तो दोनों से मैग्नीट्यूड सेम आएगा, मतलब यहां पर जो वैल्यू आएगा ना वो सेम आएगा, ठीक है, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करो या इससे करो आंसर दोनों से कॉमन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के लिए हमारा ट्रिक क्या था, एक्सेलरेशन का ट्रिक था फोर्स अलोंग द मोशन, मोशन के अलोंग फोर्स कितना है एम वन जी या एम टू जी, सोचो एम टू जी तो मोशन के अगेंस्ट में है ना, एम वन जी है मोशन के डायरेक्शन में, एम वन जी माइनस मोशन के अपोज में के फोर्स क्या है एम टू जी डिवाइड बाय टोटल मास एम वन प्लस एम टू, ये हो गया एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहां से एक्सेलरेशन निकाल के इधर भी पुट कर सकते हैं, इसमें भी पुट कर सकते हैं, किसी भी एक से टेंशन निकाल सकते हैं, ओके। चलो ये एग्जांपल नोट डाउन कर लो, चलिए हो गया नोट डाउन।
और लेते हैं एग्जांपल, देखिए डायरेक्ट सॉल्व करना है हमें विदाउट पेन, कोई पेन कॉपी यूज में नहीं लेना, विदाउट यूजिंग पेन कॉपी, फिर बाद में यूज ले लेना, एक बार ट्राई करो दिमाग चलाओ थोड़ा। ये डायग्राम है ठीक है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, है ना। एक तो एक्सेलरेशन निकालना है और टेंशन निकालना है। तो अब जैसे टेंशन का बात आएगा तो पहले हम ये सोचेंगे कितने टेंशन के सिंबल हमें लेने पड़ेंगे यहां पर। तो देखिए ये एक स्ट्रिंग है कंप्लीट, एक सिंगल स्ट्रिंग, तो यहां पर टेंशन एक होगा, P1 लेता हूं मैं ठीक है। यहां पर अगर हम देखें तो ये स्ट्रिंग डिफरेंट हो गया है ना, ये स्ट्रिंग एक था और ये सेकंड स्ट्रिंग है, तो यहां पर टेंशन भी डिफरेंट होगी। तो जब स्ट्रिंग चेंज होगा तो टेंशन भी चेंज हो जाएगा ठीक है। स्ट्रिंग सेम है तब तक टेंशन सेम होगा। फिर है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किधर होगा, 2+3 5 kg इधर है, इधर 4 kg है, तो ऑब्वियस बात है एक्सेलरेशन इधर होगा डाउनवर्ड और इस डायरेक्शन में होगा अपवर्ड, कनेक्टिंग बॉडीज सेम होगा एक्सेलरेशन ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सेलरेशन विदाउट पेन चला है, बताना है एक्सेलरेशन क्या होगा। सोचिए क्या था हमारा ट्रिक, क्या था, फोर्स अलोंग द मोशन, बताओ कितना है अलोंग द मोशन फोर्स, 3g 2g दो दो वेट है इधर, कितना है टोटल 5g माइनस, 5g मतलब कितना हो गया 50 माइनस फोर्स अलोंग द अपोजिट टू द मोशन, मोशन के अपोज में क्या है 4g मतलब 40, 50 माइनस 40 डिवाइड बाय टोटल मास कर दो, टोटल मास कितना है 4+3 7+2 9, समझ में आ गया मेथड, सही आंसर 50 माइनस 40 डिवाइड बाय 9, तो 10/9 आंसर या g/9 हो गया आंसर, है ना। इसी टाइप से हमें सॉल्व करना होता है एग्जाम ठीक है। चलिए सॉल्व लिख लेते हैं यहां पर, अलोंग द मोशन फोर्स क्या है 2g and 3g 5g माइनस मोशन के अपोजिट में फोर्स है 4g डिवाइड बाय टोटल मास, टोटल मास हो गया यहां पर 4+3+2 4+3+2, तो सॉल्व करके यहां पर आ गया g/9, तो एक्सेलरेशन होगा g/9 ओके। ये तो गया इसका एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है टेंशन का फॉर्मूला, तो अपवर्ड एक्सेलरेशन है, बताओ टेंशन क्या होगा, mg+ma या mg-ma, सोचो अपवर्ड एक्सेलरेशन हो रहा है तो t1 कितना होगा, t1 हो जाएगा mg+ma, m क्या होगा यहां पर इस स्ट्रिंग के नीचे टोटल मास कितना है 4 है ना, तो 4 × g+a ये हो गया आंसर, 4 × 10+10/9 कर लोगे सॉल्व ठीक है ना। यहां से टेंशन निकाल लेंगे हम T1 ओके। फिर नेक्स्ट है T2 कितना होगा, तो T2 यहां पर निकालना है हमें, बताओ 3 kg का मोशन क्या है डाउनवर्ड या अपवर्ड एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड, अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है तो फॉर्मूला क्या होगा mg-ma, T2 टेंशन कितने ब्लॉक के नीचे टोटल मास कितना है 3 kg, तो डाउनवर्ड मास 3 kg है, तो T2 आ गया mg-ma, बस यहां से ए का वैल्यू पुट कर देंगे g/9 इधर सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा ठीक है। क्लियर है इतना, चलो इसको नोट डाउन कर लो एग्जांपल को, हो गया क्लियर। चलिए नेक्स्ट ले रहे हैं इंक्लाइंड प्लेन को थोड़ा मिक्स करके लेते हैं क्वेश्चन, देखिए सपोज यहां पर एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन पर ये इंक्लिनेशन एंगल थीटा, ये एक ब्लॉक हमने फुट किया है, सपोज इसका मास है m1 ये है m2 ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, उसके बारे में पहले मैं बता देता हूं फिर बाद में क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहले एक ऐसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये है 2 kg ठीक है, ये हो गया यहां पर 2 kg और ये है सपोज 2 kg, ये हमने 30 डिग्री लिया, तो अब क्वेश्चन बोला है कि बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा, है ना, बताओ किसका एक्सेलरेशन होगा, 2 kg का अपवर्ड या डाउनवर्ड होगा या 1 kg का, इधर m1 जो है 2 kg ये वाला, इसका अप या डाउन होगा, किधर मोशन होगा, या रेस्ट में रहेगा सिस्टम ठीक है। तो यहां पर क्या है इस क्वेश्चन में जैसे हम देखेंगे वैल्यू तुम्हारे माइंड में सीधा आएगा कि रेस्ट में रहेगा, बिकॉज बोथ आर 2 kg 2 kg, पर एक्चुअली जो एक्सेलरेशन है वो मास की वजह से नहीं होता, हमें क्या देखना है, हमें फोर्स देखना है, फोर्स कितना लगेगा उसी के अकॉर्डिंग सोचना है ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो वेट है तो फोर्स कितना लगेगा 2g का मतलब हो गया 20 न्यूटन, जी को 10 लेके चलता हूं ठीक है। अगर हम यहां पर देखें इंक्लाइंड प्लेन पर, तो इंक्लाइंड प्लेन पर जो फोर्स लगता है ब्लॉक पर इधर, वो mg नहीं होता, वो क्या होता है, वो होता है mg sin थीटा,
तो एम जी साइन थीटा अगर हम करेंगे तो ये आ गया 20 × 1/2, तो ये हो गया 10 न्यूटन। तो अब देखो मासेस सेम है, मासेस सेम होते हुए भी थीटा एंगल के कारण क्या है, यहां पर जो वैल्यू है वो डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। तो ऑलवेज याद रखना हमें पहले फोर्स निकालना होगा, तब हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा मास अपवर्ड मूव करेगा और कौन सा डाउनवर्ड मूव करेगा। ओके, विदाउट कैलकुलेटिंग द फोर्स वी कांट से अबाउट द मोशन, क्लियर है इतना। तो फोर्स इंपॉर्टेंट है, मासेस के थ्रू हम बता नहीं सकते मोशन, है ना। चलिए तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप न्यूमेरिकल में, यहां मैं सिंबॉलिक करा रहा हूं अभी तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता इधर। देखिए सपोज मैं अज्यूम कर लेता हूं कि एम टू हैवी है, मतलब इधर जो वेट है वो ज्यादा है, तो सपोज ये डाउनवर्ड जा रहा है या अपवर्ड जा रहा है, उल्टा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, है ना, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, एक्सेलरेशन निकालो एंड टेंशन निकालो, क्लियर है ना। तो ये क्वेश्चन है हमें सोल्व करना है, एक्सेलरेशन एंड टेंशन। तो एक्सेलरेशन का ट्रिक से सोल्व करते हैं हम, क्या था ट्रिक एक्सेलरेशन का, फोर्स अलोंग द मोशन। तो मोशन के अलोंग फोर्स कितना है, एम टू जी, यहां पर तो देखो जो वेट है, वेट है वो कैसा है मोशन के अगेंस्ट, है ना, तो इसको माइनस कर देंगे, कितना होता है वेट इंक्लाइन प्लेन पर, इंक्लाइन प्लेन पर वेट होता है एम जी साइन थीटा, तो ये हो गया एम वन जी साइन। अभी साइन थीटा कहां से आया, ये वेक्टर में पढ़ाया था, है ना, इंक्लाइन प्लेन पर कैलकुलेशन वेक्टर में बताया था पूरा, डिवाइड बाय टोटल मास, टोटल मास है सिस्टम का एम वन प्लस एम टू। तो इस मेथड से तो हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है टेंशन कितना होगा, तो टेंशन लेते हैं अपन। देखिए एक सिंगल स्ट्रिंग है तो टेंशन एक ही लेंगे सिंबल, ठीक है ना, टी ले लेता हूं मैं, क्लियर है, क्योंकि टेंशन सेम है तो यहां से कैलकुलेट करो या यहां से कैलकुलेट करो एक ही बात है, है ना। तो अब अगर हम यहां से देखें तो देखिए डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन अगर डाउनवर्ड है तो टेंशन क्या होगा, टेंशन होगा एम जी माइनस एम, ये आंसर आ जाएगा, ए का वैल्यू बस इधर सब्स्टिट्यूट करना है, आंसर आ गया, क्लियर है, ऐसा हम कर सकते हैं। ये तो ट्रिक हो गया, अगर हमें एक्सपेंड करके इसको समझाना हो तो हम एफबीडी यूज में लेंगे, फ्री बॉल डायग्राम। फ्री बॉल डायग्राम से कैसे सॉल्व करना है, देखिए अगर हम एम वन का डायग्राम बनाए तो एम वन मास पर अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन है टी, ये जो टेंशन है कितना है टी, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स है वेट के कारण वो है एम जी साइन थीटा, ठीक है। एक्सेलरेशन है इधर ए, तो नेट फोर्स इक्वल टू एम ए लगा देंगे, नेट फोर्स क्या होगा, इधर टी है और इधर एम वन जी साइन थीटा है, नेट फोर्स क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, तो नेट फोर्स हो जाएगा टी माइनस एम वन जी साइन थीटा, जो कि नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, एम वन ए। इससे सॉल्व करके हम यहां पर टी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो टी कैलकुलेट करेंगे दो मेथड हो गए, आइदर फ्रॉम दिस इक्वेशन और फ्रॉम दिस इक्वेशन, ठीक है, दोनों से न्यूमेरिकली वैल्यू सेम आएगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू जो पुट करोगे यहां पर और यहां पर तो आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। इंक्लाइन प्लेन पर इस टाइप से हमें कैलकुलेशन करना है, ओके। चलिए अभी नेक्स्ट इसमें देखिए क्वेश्चन, जब हम स्ट्रिंग को पुल करते हैं, जब स्ट्रिंग को हम पुल करते हैं, ठीक है, उसको हम होल्ड करके फोर्स लगाते हैं, तो जितना हम फोर्स लगाते हैं उतना ही टेंशन क्रिएट हो जाता है स्ट्रिंग में, ठीक है। यहां पर ये पॉइंट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, पुलिंग फोर्स, किस टाइप का फोर्स, पुलिंग फोर्स इज इक्वल टू द टेंशन, टेंशन में अगर हम कोई पुलिंग फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो जितना पुलिंग फोर्स है उतना ही टेंशन प्रोड्यूस हो जाता है, क्लियर है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज यहां पर एक स्ट्रिंग लिया हमने, उसको पुली के ऊपर रखा, यहां पर एक मास है वो लिया हमने सपोज एम, और इधर एक ब्लॉक है इसका मास है सपोज टू एम, ठीक है, और सिस्टम को हमने रिलीज किया, क्वेश्चन वही है एक्सेलरेशन निकालो, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होगा और टेंशन क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन ये। सेकंड क्वेश्चन है यहां पर सेम पुली, मास भी सेम है एम, यहां पर इस बार हमने ब्लॉक नहीं लगाया, इस बार हम क्या कर रहे हैं, इस बार हम फोर्स लगा रहे हैं, कितना एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, ट्वाइस एमजी लगा रहे हैं, जितना इसका वेट था ना उतना पुलिंग फोर्स लगा रहे हैं ट्वाइस एमजी, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है, अब दो क्वेश्चन में सिमिलरिटी तो बहुत सारी है, दिखने में लगी रहा है सिमिलरिटी बहुत ज्यादा है, डिफरेंस क्या है वो समझना है हमको, ठीक है। देखिए डिफरेंस ये है कि यहां पर इस सिस्टम में जो टेंशन होगा इधर जो टी होगा वो कितना होगा, ट्वाइस एमजी, पुलिंग फोर्स के इक्वल, तो यहां पर जो टेंशन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ट्वाइस एमजी होगा, यहां पर जो टेंशन है वो टेंशन इन दोनों के एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा, तो हम यहां पर नहीं बता सकते कि डायरेक्ट जो एक्सेलरेशन का वैल्यू और टेंशन का वैल्यू वो क्या होगा, वो हमें कैलकुलेट करना होगा, है ना। अब यहां पर देखते हैं पहले फिर इसको देखेंगे, तो अगर हम यहां पर देखें इस ब्लॉक के बारे में देखें एम ब्लॉक, तो एम ब्लॉक पर अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन है टी, और टी कितना है
ट्वाइस एम जी, क्योंकि मैंने लिखा था कि पुलिंग फोर्स इक्वल टू टेंशन, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखेंगे तो इसका खुद का वेट होगा एम जी, तो क्योंकि अपवर्ड वेट ज्यादा है तो एक्सेलरेशन होगा ही होगा, तो जब इसको डाउनवर्ड पुल करेंगे तो ब्लॉक ऊपर जाएगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। एक्सेलरेशन हो गया, अब नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, यहां पर हम लगा के ए निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो नेट फोर्स कितना है, टू एम जी माइनस एम जी, टू एम जी माइनस एम जी नेट फोर्स हो गया इक्वल टू एम ए, तो यहां से ए सॉल्व करके आ गया जी, जी एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, जैसे हम 2mg लगाएंगे इधर, ठीक है। तो यहां पर एक्सेलरेशन जी आया और टेंशन कितना है, टेंशन तो देखते ही हमने बता दिया डायरेक्ट ट्वाइस mg, क्लियर। इसको सॉल्व करें, ट्वाइस m मास डाउनवर्ड मूव करेगा या अपवर्ड मूव करेगा, ठीक है, क्या होगा एक्सेलरेशन। तो अगर हम ट्रिक से देखें तो अलोंग द मोशन है 2mg माइनस अपोजिट टू द मोशन, मोशन के अपोजिट में mg, और टोटल जो मास है दोनों का वो है 2m प्लस m 3m, तो सॉल्व करके यहां से आया g बाय 3, एक्सेलरेशन आ गया g बाय 3, ठीक है। नेक्स्ट है टेंशन कितना होगा, टेंशन किससे निकाले बताओ, दोनों में से किसी भी निकाल सकते हैं क्योंकि सिंगल स्ट्रिंग है तो टेंशन तो सेम ही होने वाला है ना। किससे निकाले, अगर हम यहां से देखेंगे तो अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन है तो 2mg माइनस आ जाएगा, 2mg माइनस 2ma, और अगर हम इधर से देखें अपवर्ड एक्सेलरेशन है तो mg प्लस ma आ जाएगा, इससे निकाल लेता हूं, है ना, किसी भी बता सकते हैं। तो टेंशन होगा यहां पर mg प्लस ma, और a का वैल्यू आया g बाय 3, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4g बाय 3। तो देखिए यहां पर जो टेंशन है और ये जो टेंशन है दोनों डिफरेंट है, तो इसका मतलब दोनों क्वेश्चन डिफरेंट थे, हालांकि दिखने में एकदम सेम लग रहा है। मैक्सिमम स्टूडेंट तो बोल ही रहते हैं कि हाँ दोनों में सेम होगा, सब तो सेम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर एक्सेलरेशन का बात करें तो एक्सेलरेशन भी देखिए डिफरेंट है, यहां पर जी था और इधर एक्सेलरेशन आया जी बाय 3, और टेंशन का अगर बात करें तो टेंशन भी एकदम डिफरेंट है, इधर तो डायरेक्ट पुलिंग फोर्स ही था टेंशन और यहां पर ये था, तो डिफरेंस क्या था, डिफरेंस ये था कि यहां पर टेंशन हमने प्रोड्यूस किया था और यहां पर जो टेंशन है वो सिस्टम के एक्सेलरेशन से प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। यहां पर हमने डायरेक्ट इसको फोर्स कर दिया कि टेंशन 2mg हम लगाएंगे, ठीक है ना, और यहां पर एक्सेलरेशन जो वेट का डिफरेंस जो एक्सेलरेशन जनरेट हुआ उससे यहां पर टेंशन क्रिएट हुआ था, है ना। तो ये दोनों में डिफरेंस है ना, कर देना डाउन, हो गया ना डाउन। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं लास्ट, मल्टीपल पुलीज को यूज में लेना है हमें, ठीक है। इक्विलिब्रियम का एक क्वेश्चन बता देता हूं, ठीक है। जैसे सपोज यहां पर एक ये पुली है, एक और पुली रहता है, दो पुली, ठीक है, और यहां पर ये एक स्ट्रिंग है, इसको एक पर्सन ने होल्ड किया हुआ है, ठीक है, इस स्ट्रिंग को एक पर्सन ने इधर होल्ड किया हुआ है, ये पर्सन एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, ये जो प्लेटफॉर्म है ये है सपोज 50 केजी का, ठीक है, और ये पर्सन है 40 केजी। एक और पुली देते हैं यहां पर, इसके बाद फिर स्ट्रिंग लेते हैं, यहां पर स्ट्रिंग कनेक्ट है, ठीक है। तो ये सिस्टम हो गया, कुछ पुली हैं, ये सब पुली मासलेस हैं और स्ट्रिंग भी मासलेस स्ट्रिंग है, ठीक है। एक पर्सन है, इस पर्सन ने होल्ड किया हुआ है इस स्ट्रिंग को, होल्ड करने का मतलब यहां पर ये पुलिंग फोर्स लगाएगा और पुलिंग फोर्स जितना होता है उतना ही टेंशन होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये है, हाउ मच पुलिंग फोर्स द पर्सन शुड अप्लाई सो दैट द सिस्टम रिमेन एट रेस्ट, ओके। टू कीप दिस सिस्टम एट रेस्ट, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू कीप द सिस्टम एट रेस्ट, सिस्टम को रेस्ट में रखने के लिए कितना फोर्स पर्सन लगाए, फोर्स बाय द पर्सन कितना हो, ठीक है। पर्सन कितना फोर्स लगा के पुल करे स्ट्रिंग को कि सिस्टम रेस्ट में रहे, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ठीक है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहां पर हम टेंशन का अगर बात करें तो क्योंकि ये एक सिंगल स्ट्रिंग है, हालांकि इसका लेंथ बहुत बड़ा है लेकिन है तो ये सिंगल, तो अगर सिंगल स्ट्रिंग है तो ईच पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, टेंशन ईच पॉइंट पे सेम होगा, तो टेंशन टी ले लेता हूं मैं सिंपल, ठीक है,
ये हो गया टेंशन टी। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया इंपॉर्टेंट हमारे लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो पर्सन पुलिंग फोर्स लगा रहा है क्या वो टेंशन के इक्वल होगा? बिल्कुल इक्वल होगा, ये बताया था पहले कॉन्सेप्ट, पुलिंग फोर्स इक्वल टू टेंशन, ठीक है। तो अगर टेंशन हमने निकाल लिया तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, क्लियर है इतना। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑलवेज याद रखना है दैट पुलिंग फोर्स इज इक्वल टू द टेंशन इन द स्ट्रिंग, है ना। इसको लिख लेना अच्छे से, पुलिंग फोर्स इज इक्वल टू द टेंशन इन द स्ट्रिंग। चलिए अब देखिए यहां पर इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं पूरा सिस्टम का, कंप्लीट सिस्टम का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इसमें कंप्लीट सिस्टम में टोटल जो वेट है वो कितना है? टोटल वेट है यहां पर 50 kg प्लस 40 kg, इसके अकॉर्डिंग तो वेट हो गया 90 × g, ये तो हो गया डाउनवर्ड वेट, ठीक है। अब अगर अपवर्ड फोर्स का बात करें तो कंप्लीट सिस्टम, ये कंप्लीट सिस्टम जो है, ठीक है, इस कंप्लीट सिस्टम पर, सिस्टम मतलब पर्सन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों को मिला के बोलते हैं हम सिस्टम, है ना। तो टोटल अगर फोर्स देखें अपवर्ड टेंशन वो कितना है, यहां पर देखिए पर्सन के हाथ पे कितना टेंशन, टी, एक टी यहां से मिला, ठीक है। फिर दूसरा दो टी यहां पर मिले, टी प्लस टी ट्वाइस टी, ये हुए ट्वाइस टी। फिर एक टी यहां पर मिला हमें अपवर्ड टी, तो अपवर्ड डायरेक्शन में टोटल जो फोर्स लग रहे हैं वो कितना है, टोटल 2 + 1 + 1 कहीं ना 40। तो यहां पर अपवर्ड फोर्स है टोटल 40 और डाउनवर्ड है 90 g, तो हम लिख सकते हैं 40 इक्वल टू 90 g, जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं तो ये 900 बन गया, यहां से टी का वैल्यू आ गया 900/4, ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये टेंशन आ गया, तो इतना पुलिंग फोर्स पर्सन जब लगाएगा तो ये सिस्टम रुका रहेगा, स्टेशनरी रहेगा सिस्टम, क्लियर है इतना। फिर इसमें हम सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं, सेकेंड क्वेश्चन ले लिया कि पुलिंग फोर्स बताओ, फोर्स बाय द पर्सन बताओ इफ सिस्टम स्टार्ट टू एक्सेलरेट विद 2 m/s² अपवर्ड। अब क्या करना है, पर्सन को अब पुलिंग फोर्स को और इंक्रीज कर देना है ना, इतना इंक्रीज करना है कि पूरा सिस्टम 2 m/s² से मोशन में स्टार्ट हो जाए, है ना, मोशन इसका अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाए, ठीक है। तो देखिए डायग्राम पे ही रहेगा, बस डायग्राम में एक चीज और इंक्लूड हो गया, एक्सेलरेशन। पहले एक्सेलरेशन नहीं था तो हमने डायरेक्ट इक्विलिब्रियम से सॉल्व किया था, अब एक्सेलरेशन भी होगा, और अगर एक्सेलरेशन होगा तो हम सेकंड लॉ अप्लाई कर देंगे, क्या है सेकंड लॉ, नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो जो भी अप्लाई करेंगे तो नेट फोर्स था 40 - 900 इक्वल टू 90 × a, ए का वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 2, इधर 2 करेंगे तो 90 × 2 ये हो जाएगा 180, 900 + 180 करेंगे देन 40 इक्वल टू आ गया 1080, यहां से हम टी निकाल लेंगे। तो देखिए यहां पर टी का वैल्यू पहले के कंपेयर में बढ़ गया, ठीक है। उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता था, क्वेश्चन में बोल सकते थे इफ टेंशन बिकम दिस देन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो अब कैसे पता लगाएगी कि एक्सेलरेशन अपवर्ड हो गया डाउनवर्ड, देखिए अगर वेट से ज्यादा हम टेंशन लगा रहे हैं, मतलब यहां पे जो टी का वैल्यू है ना इक्विलिब्रियम, वो देखना है हमें, इक्विलिब्रियम में जो टी था अगर उस टी से ज्यादा हम पुलिंग फोर्स लगा रहे हैं तब उस कंडीशन में अपवर्ड होगा, और उस टी से अगर कम हम लगा रहे हैं पुलिंग फोर्स देन डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा। तो ये यहां पर कॉन्सेप्ट हमको थोड़ा याद रखना है, ठीक है, कर लो डाउन। चलिए ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके।